Gentlemen, this is the most awaited moment of tonight. Hold your breaths for a few more moments. And here comes the heartthrob of millions, Ali Sethi. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Good evening. Kaise hain aap sab log? Let's hear it. How are you? Chanab College Jang. Thank you for having us. Hum aaj jis program ki numaindagi karne ke liye aaye hain aapke samne. It's a very special program. Coke Studio Pakistan. Do you love Coke Studio? Do you love Coke Studio? We love it too. Show shuru karne se pehle main thoda sa aapko batana chahunga. Wo meri tasveer lagi hai wahan. Mera pehla saal tha Coke Studio ka, 2 saal pehle 2015 mein maine apna pehla gana Coke Studio pe gaya. Aap mein se kitne log Coke Studio pe gana chahte hain? I can't hear you. Yes, okay, I hear you. मैं भी आप ही की तरह कोक स्टूडियो पे गाना गाना चाहता था लेकिन मुझे ये मालूम था कि कोक स्टूडियो जैसे आलीशान मकाम तक पहुंचने से पहले मुझे कुछ मेहनत करना पड़ेगी मुझे एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा मौसीकी का और क्या आप ये जानते हैं कि मौसीकी को भी स्टडी किया जाता है आपके कॉलेज में म्यूजिक क्लासेस होती हैं I can't hear you. Is that a yes or a no? Okay, I'm assuming it's a yes because hona chahiye. Aap ek bahut khas ilake mein, khitte mein aap log padh rahe hain. Jhang ek qadeem hissa hai hamare mulk ka, balki pure bare sagir ki tareekh mein, adab ki tareekh mein, heer ranjha ka kisne nahi suna? Waris shah ki heer jo hai wo hamari mausiqi ke sath bahut judi hui hai. Yahin pe मशहूर हीर का मैंने सुना है मज़ार भी है तो हम एक बहुत ख़ास इलाके में आज हैं जहाँ पे जहाँ की ज़ुबान शायरी अदब मौसीकी बहुत मशहूर है दुनिया में मशहूर है तो मैंने गाना
जो है वो सीखना शुरू किया आज से तकरीबन 10 साल पहले. उससे पहले मैं एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था जहाँ मैंने हिस्ट्री और लिटरेचर पढ़ना शुरू किया. तो लिहाजा बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद जो है जाके कोक स्टूडियो पे मैं गाना गाया. और जो गाना मैंने गाया कोक स्टूडियो पे, अपना पहला गाना जो गाया, उसमें कुछ सिराइकी के बोल हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद के कुछ तोड़े हैं, आज आपको सुनाएंगे. पहले एक ऐसे बहुत प्यारे मिल्ली नगमे से शुरू करते हैं जो कि आप सब जानते हैं, पिछले साल हमने कोक स्टूडियो में गाया बड़े एहतराम से. शहीद वो होता है जो अपनी जान हक की राह में कुर्बान कर देता है, लेकिन लफ्ज़ शहीद जो है वो एक और लफ्ज़ से जुड़ा हुआ है, मुशाहिदा, शहादत. जैसे कलमा शहादत है, शहादत के एक मानी है जान कुर्बान कर देना, एक लिटरल मानी है. एक और मानी है गवाही देना, सच की गवाही देना, हक की राह में चलना. तो जो तालिब इल्म होते हैं और जो उनके टीचर्स होते हैं, वो मेरे ख्याल में, मेरी आंखों में, मेरी नज़रों में एक बहुत अहम मुशाहिदा करते हैं, गवाही देते हैं एक बहुत अहम हकीकत की, जिसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए. तो ये आप सबके लिए.
Put your hands together. Done.
I would like to introduce my wonderful band, my musicians. Saad Sultan, taliyan inke liye. Guitar pe aapke samne mere bahut acche kareebi dost, Pakistan ke mashhoor producer hain, bahut sare artists hain. Main ho gaya apni hamari dost Quratul Ain Baloch QB, jinki tasveer yahan lagi ho gayi. Atif Aslam ho gaye, sab log inke studio aate hain kaam karne. Ye bahut bahut genius aadmi hain. No less Mr. Anthony Soshil yahan khade hain keyboard ke upar, Moon bhai hamare. इनके लिए तालियां, जोरदार तालियां प्लीज. मून भाई के साथ शहबाज हैं, शहबाज हारमोनियम बजा रहे हैं और यहां ढोलक के ऊपर बाकिर हैं. प्लीज क्लैप्स फॉर माय वंडरफुल बैंड. एक कोक स्टूडियो के बारे में मैं चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं अब ये मेरा तीसरा साल है मैं कोक स्टूडियो में गा रहा हूं. कोक स्टूडियो आपको पता है कितने लोग देखते हैं? 100 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान वॉच कोक स्टूडियो. शायद इंडिया की कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो कि इतने लोग देख पाते हैं. सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर को भी नहीं देख पाते जितने ज्यादा कोक स्टूडियो को आवाम चाहते हैं पाकिस्तान के. और इसकी क्या वजह है, क्यों चाहते हैं हम कोक स्टूडियो को इतना? आखिर बहुत से प्रोग्राम हैं टीवी पे, बहुत से सिंगर्स हैं अच्छे अच्छा काम करते हैं. कोक स्टूडियो की खास बात क्या है? कोक स्टूडियो की खास बात यह है कि कोक स्टूडियो रिवायती मौसीकी, यानी जो हमारा फोक म्यूजिक है, उसको नए अंदाज में यंग जनरेशन के लिए पेश करता है कि नहीं ऐसा? आई वॉन्ट हियर यू. अगर आप इस एज में इस तरह यस कह रहे हैं तो फिर आपका आगे क्या बनेगा? लेट मी हियर यू वन मोर टाइम. ये गाना कोक स्टूडियो ने बहुत खूबसूरती से बनाया. ये तुफैल नियाजी साहब का गाया हुआ गीत है. दो साल पहले आपने कोक स्टूडियो सीजन 8 में या 7 में इसको सुना है. ये आपके लिए नौजवान तबका, आप लोग अब जो ग्रेजुएट करने जा रहे हैं, क्लास 10, 11, 12 ऑनवर्ड्स के लोग, ये आपके लिए है. एंजॉय करें. क्लैप विद मी. अजब बहारा ओ गल्ला सूहे रंग बताए बैगण अजब बहारा ओ पिंग माही दी झूटन आई मस्त अलड़ मुटियारा पिंग माही दी झूटन आई मस्त अलड़ मुटियारा ओ बारो वारी पिंग छुटे बण कर करना से हजारा बारो वारी पिंग छुटे बण कर करना से हजारा जदों आई ददड़ी दीवारी है टूट गई मस्त
जवानी होश च आवण लगी हो जदों सही हो मस्त जवानी होश च आवण लगी हो जाके बाग माही घर आया शगन मनावण लगी हो जाके बाग माही घर आया शगन मनावण लगी हो भर के पेग दिता दिल भरनू खुशी मनावण लगी भर के पेग दिता दिल भरनू खुशी मनावण लगी टूट गई क्यों यार ते टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके लाए बे कटता नाले यारी ते टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके और लाए बे कटता नाले यारी ते टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके जो सारा हमारा इलाका है यहां जब शादी ब्याह के मौके पे लड़की की रुखसती हो रही होती है तो लड़की वाले अफसरदा हो जाते हैं है कि नहीं है कि नहीं यस ये जितनी खवातीन हमारे सामने बैठी हैं ये सब जानती हैं गुजर चुकी हैं गुजरेंगी इन मरहलों से कि जब शादी ब्याह का मौका आता है तो खुशी होती है बहुत सेलिब्रेशन होती है लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है जब रुखसती के टाइम पे लड़की वाले जो है वो रो पड़ते हैं और जो रिश्तेदार नहीं भी होते वो भी रो पड़ते हैं ऐसी कोई कैफियत जो है वो सब पे तारी हो जाती है उसको तो ये क्यों होता है मैं इसके बारे में पढ़ रहा था एक बड़ी अच्छी किताब है एतजाज अहसन साहब की लिखी हुई द इंडस सागा उसमें वो बताते हैं कि ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है ये दुनिया में और नहीं होता चाइना में अफ्रीका में अमेरिका में नहीं होता ऐसा वहाँ वो खुशी खुशी रुखसती कर देते हैं यहाँ इसलिए होता है क्योंकि आज से 2,500 साल पहले जब आर्या कौम के लोग यहाँ आए तो उन्होंने जब कबायली बस्तियों पे हमले किए तो वहाँ के जो बादशाह शहजादे वहाँ के जो कबायली उनके लीडर्स होते थे ट्राइब्स के उनकी बेटियों को अगवा करके ले जाते थे और उनसे ज़बरदस्ती शादियाँ कर लेते थे एज अ वे ऑफ सबड्यूइंग द अपोनेंट्स द पोलिटिकल अपोनेंट्स तो ये उस वक्त से हमारी एक कल्चरल मेमोरी का हिस्सा है ये बात कि लड़की को जो सेल्फलेस लव और प्यार और सच्ची मोहब्बत अपने घर में मिलती है वो शायद अगर वो बहुत खुशनसीब है तो उसको पराए घर में मिले ठीक है जी मुलायदा फरमाएं गिल्ली गिल्ली बनी यानी समे मैं
बड़े लोग हैं, तो लिहाजा इन लोगों की सोच को, इनकी फिक्र को, इनके जज्बात को महसूस कीजिए और अपनाइए, अपने दिल में समाइए। ओ ओ लाल मेरी पते रखियो बला झूले ला का जज्बा चेक करें। ये चार चराग जल रहे हैं आपके, चार चराग तो हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता। मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, ये आप स्टूडेंट्स के लिए है। Oh,
बनाया हुआ राग है एवं अमन तारी करने वाला इस राग में ये गाना है। तो ये दिल को सुकून सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि सेवन शरीफ का जिक्र हो रहा वो है, लेकिन हजरत अमीर खुसरों का 800 साल पुराना बताया हुआ सुरों के अंदर की बोल रहे हैं। Madam Mat Kalandar, Ali Ka Dam De Andar, Husaini Lal Kalandar, Ali Ka Pehla Number, Madam Mat Kalandar, Dabi Shahbaz Kalandar, Husaini Lal Kalandar, Ali Ka Dam De Andar, Madam Mat Kalandar, Dabi Shahbaz Kalandar, Husaini Lal Kalandar, Ali Ka Dam De Andar, Madam Mat Kalandar, Dabi Shahbaz Kalandar, Husaini Lal Kalandar, Ali Ka Pehla Number. Thank you.